कल दूसरे चरण का मतदान हो गया चुनाव है क्या? देखिए बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दोनों चरण जो हैं हम लोग जीत गए हैं, और आपकी इस मजबूत संकल्प ने बिहार असल मुद्दों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई कितना भी बांटने का कोशिश कर रहा, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। और बेरोजगारी के मुद्दे पर, खास तौर पे नौकरी के मुद्दे पर, पलायन, गरीबी, भुखमरी के मुद्दे पर, और जो आखिरी जो तीसरा जो फेज है, तो आप कह सकते हैं जो सीमांचल का एरिया है, कोसी का एरिया है, इन चंपारण के कुछ इलाके हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बिहार के काफ़ी लोग मजदूर जो हैं दूसरे राज्य में जा करके पलायन करते हैं, खासतौर पर दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए। और जिस प्रकार से मजदूरों के साथ व्यवहार मौजूदा सरकारों ने किया, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार की सरकार, वो लोगों को कहीं ना कहीं से जो गुस्सा रहा जिस रवैये को लेकर के, दो महीने तक उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, वो आए तो उनको अपराधी बोला गया, उनको ये भी बोला गया कि करोना फैलाने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बिहार सरकार दावा करती रहेगी कि हम काम देंगे, लेकिन किसी को काम नहीं मिला। उस वजह से बाढ़ का इलाका भी आप देखिएगा, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बाढ़ हमेशा जो है तबाही मचाता है, तो लोग जो हैं काफ़ी प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री तक पूछने तक ले गए, प्रधानमंत्री, सेंट्रल की टीम कोई आकर के आकलन तक नहीं करने गई। तो मुझे पूरा भरोसा है जो दो फेज में मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है, तीसरे फेज में और मजबूती के साथ जो है मतदान करेंगे। और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश जी की विदाई होगी। जो प्रोटेस्ट हुआ है, जेडीयू सीधा आरोप लगा रही है,